आखा नवमी पर श्रद्धालुओं ने पूजा भगवान विष्णु को सेवन किया आंवले का मांगा परिवार के लिए मंगल ही मंगल। नवमी है आज का किया हुआ जो पुण्य पूजा पाठ दान पुण्य उसका कभी क्षय नहीं होता, हमेशा अच्छा ही रहता है। कहीं भी करिए, कुछ भी करिए, दान पूजा होम तर्पण दान दक्षिणा पूजा आज का बिल्कुल क्षय होता है। अब आज आखा नवमी भी है और आंवले के वृक्ष के नीचे आज का खाने का बहुत बड़ा महत्व है, क्योंकि आंवला जो है विष्णु जी से उत्पन्न हुआ है, लक्ष्मी रूप माना जाता है। इसलिए आंवले के नीचे आज का भोजन आज का पूजन वो भी बहुत ही महत्व होता है, उसका भी बहुत ज़्यादा होता है। इसका हम लोग आंवले की पूजा करते हैं, पहले यहाँ पर कोठी भरते हैं, भरद्वाज मुनि की पूजा करते हैं भगवान की, फिर आंवले के वृक्ष के नीचे 108 फेरे करेंगे, वहाँ पे भोजन पहले पूजन होगा फिर उसके यहाँ भोजन भी होगा, क्योंकि भोजन का उसके नीचे बहुत बड़ा महत्व है, क्योंकि वो साक्षात विष्णु आंवला जो है साक्षात विष्णु का रूप है, इसलिए मतलब उसी के आज हम लोग सब लोग पूजा उसी लिए करते हैं। गोमती तिवारी, आज जो है अक्षय नवमी का पर्व है, इस दिन जो है आंवले का ज़्यादा महत्व दिया गया है, आंवले के पेड़ के नीचे पूजा भी करते हैं, आंवले के पूजा के बाद कुछ नाश्ता पानी भी करते हैं, और ये प्राचीन पर्व है और यहाँ पे हिंदू मान्यता के साथ साथ पूजा अटूट ढंग से होती है। भारतवर्ष में पर्यावरण के साथ जो है आंवले के भी संबंध किया गया है, और ये बहुत शुद्ध और अच्छा वातावरण लोगों को देता है आस्था, और हिंदू धर्म खासतौर से इसमें आस्था रखता है। क्या नाम है आपका? हमारा नाम शिव जी है।